मेरा नाम नीलेश त्रिवेदी है, मैं मुंबई से हूँ। दुकान है तो यहाँ से 42 इयर्स से, मगर हम लोग 20-22 साल से चला। नौ स्टॉल मिला के एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, मगर 90,000 से 1 लाख के बीच में हो सकता है सबका मिला के। एक स्टॉल में ऑन एवरेज 15-20 कस्टमर्स रहते हैं, मतलब 152 कस्टमर्स आते होंगे फिर सब मिला के। इसको सेटअप करने के लिए 1.5 लाख लगेगा। बारिश के टाइम में तारपोलिन लगता है, एक तारपोलिन का समझ लो 4,200 रुपीज लगता है, 2,500 से 3,000 रुपये तक का बिजनेस हो जाता है। बिजनेस में पहले के मुकाबले में तो अभी पैसे तो बहुत कम है, पहले हो जाता था क्योंकि पहले सेकेंड हैंड भी बुक्स के दुकानें कम थी ऑल ओवर मुंबई के मुकाबले। फिर ई कॉमर्स के आने की वजह से और थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ है। पहले के मुकाबले अभी कम से कम 40-60% बिजनेस डाउन हो गया है। सस्ता नहीं मिलता तो चले जाते, बोलते नहीं ये बुक नहीं पढ़ेंगे हम दूसरा बुक पढ़ेंगे, या उनको उनके प्राइस में मिला तो पढ़ते, नहीं तो फिर हम लोग को बताते कि भाई अमेज़ॉन पे सस्ता मिलता है ना फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिलता है, ऐसे बहुत सारी परेशानी है। अट्रैक्शन तो किताबों के बारे में ही है, किंडल पे आप पढ़ो और बुक फील करके पढ़ेंगे उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और भले कितना भी किंडल आपको बताएगा कि वाइट पेपर है ये वाइट ये है, आपको फील वैसा आएगा, मगर जो फील आप बुक्स को हाथ में रख के पढ़ेंगे और किंडल को पढ़ेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसका तो कंपेयर है ही।